जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस पर। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे आपका आर्मी जीडी को लेकर। देखिए, बहुत सारे बच्चे लगातार मेरे पास कमेंट कर रहे हो कि सर जीडी वालों का पेपर 22 तारीख से है, सर हम लोग कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, कितना नंबर लाने पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा जीडी के अंदर। देखो भाई, मैं आप लोगों को बता दूँ, लगातार आपने प्रीवियस दो साल का पूरा पैटर्न भी देख लिया है कि आपका किस तरीके से कट ऑफ वगैरह जा रही, कितने बच्चों का सिलेक्शन हो रहा। देखो, अगर मैं आपको जीडी में बात करूँ, देखिए आपका जीडी में साथी क्या है कि 100 नंबर की आपकी रनिंग है, यानी आपका फिजिकल भी क्या है यहां पर 100 नंबर का है, और 100 ही नंबर का साथी आपका पेपर है। अगर बात करें आपका चाहे जीडी में और चाहे ट्रेडमैन में, देखो जितना साथी आपका फिजिकल का रोल है भाई, उतना ही आपके रिटर्न का रोल है। क्योंकि देखो, रिटर्न में जितना अधिक नंबर आप लोग ले आओगे, उतना फायदा आपको फिजिकल के लिए थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा, उतना आपके लिए फायदा रहने वाला है। देखिए, अगर बात करूं आपका, देखो आपका जब बात करें आपको फिजिकल के लिए बुलाए जाने पर, अगर आपका 22 से 25 क्वेश्चन के अंदर सही होगा तो आपको फिजिकल के लिए तो कॉल आ जाएगा। क्योंकि देखिए, आपका हर एआरओ में 10,000, 15,000, 18,000, 12,000 ऐसे बच्चों को वो पास करेंगे, ठीक है ना। तो आपका तो ये ध्यान रखिएगा, आपको आ तो जाएगा फिजिकल के लिए कॉल, लेकिन अगर साथी आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है, अंतिम रूप से चयनित होना है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ भाई, अपने आप को 35 प्लस रखिए, अपने आप को 35 या 35 प्लस रखिए, ताकि किसी भी हालात में कोई भी आपका एआरओ, स्पेशली साथी उत्तर प्रदेश वाले बच्चों से मैं कहूँगा 35 प्लस रखिए अपने आप को, ताकि किसी भी हालात में कितना भी आपका कट ऑफ जाए तो आपका 170 प्लस नंबर आपके रहे और आपको कहीं से कोई आउट ना कर पाए। जो जीडी के कैंडिडेट हैं भाई, कट ऑफ कम जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी, लेकिन अभी आप प्राथमिक रूप से साथी टारगेट ये लेकर के चलो, बहुत ही जैसा आपका देखो वहां पर आप जाओगे, पेपर का पैटर्न देखना, पेपर का लेवल कैसे आ रहा है, सारी चीज़ें भी क्लियर होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ आपको 35 प्लस का टारगेट अपने दिमाग में सेट करके चलना है, उतने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, उतना ज़्यादा आपको नंबर लाने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। और अभी दो चार दिन साथी जो बचा है, एकदम ताकत लगा दो, मेहनत के साथ साथ आपको देखो आपके पास एक हफ्ते का ही समय बचा हुआ है, क्योंकि 22 तारीख से है जीडी वाले बच्चों का एग्जाम हो जाएगा, बाकी और साथ ही ट्रेड का उनको 8-10 दिन और मिल जाएगा, लेकिन आपके पास समय बहुत कम है। अच्छे से तैयारी करो, बढ़िया से पेपर देकर आओ, या उस बार वर्दी के सपने को पूरा करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।